हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षत बिलगिरी और एक बार आपका फिर से पंजाब रॉकस्टार में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं। तो साथ में आपको मैं इसमें ये वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी को 50 और 40 या 60% तक कैसे फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा पीसी तो 60% तक मेरे हिसाब से फास्ट हुआ, क्योंकि मेरा पीसी बहुत पहले स्लो चल रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, माई पीसी में जाना है, आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 4 GB रैम है, 64 बिट की विंडो है, विंडो 7 प्रोफेशनल है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर एडवांस सेटिंग सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जाके हमें एडवांस में जाना है, इधर यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे कस्टम पे रखा हुआ है। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे लेट द विंडोज़ चूज वर्ड्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर ये होगा, या फिर आपका एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस होगा, या फिर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकता। इसका तो मेरे को पक्का पता है कि आपका ये तो नहीं होएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर आपके यहाँ पे बहुत सारे टिक लगे होंगे इस तरह से, तो सबसे पहले हमें कस्टम में जाना है, सारे टिक अनटिक कर देने, सारे के सारे अनटिक कर दो। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, सबको मैंने अनटिक कर दूंगा। उसके बाद हमें क्या करना, अनटिक करने के बाद दो को सम अगर से अप्लाई करेंगे तो बड़ी गंदा से दिखेगा, इसलिए इतना हमें मैं गंदा मेरे को अपना पीस नहीं है लगता। तो हमें एंड वाले को टिक कर देना, उससे क्या होएगा, हमारा पहले जैसा हो जाएगा। सारा कुछ तो नहीं होगा, काफ़ी फर्क पड़ेगा, पर तब भी जो फॉन्ट्स वगैरह हैं वो इसी साइड से दिखेंगे। तो उसके फॉन्ट चेंज करने के लिए हमें थोड़ा स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट करना है, इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अब कुछ हमारा पीसी पहले से अच्छा हो जाएगा। तो मैंने यही रखा हुआ था वैसे, क्योंकि मैंने अपने पीसी को फास्ट बनाना था, तो मैंने यही रखा हुआ था। और हमें दूसरे नंबर पे क्या करना है, हमें अपना पावर चेक करना है, मतलब कि आपके जो आप पावर सप्लाई देते हो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को, हमें वो चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाना है। अगर आपका यहाँ पे स्मॉल आइकन या कैटेगरीज में आ रहा होगा, तो यहाँ पर लार्ज आइकन पे कर लेना है। लार्ज आइकन के बाद यहाँ पे पावर ऑप्शन आएगा, उसको दोस्तों हमेशा हाई रखना, बैलेंस होएगा आपका, बैलेंस में हो सकता है आपका, तो हमें दोस्तों हमेशा से हाई रखना है। बैलेंस आपका होगा कि जब इसमें आपका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है, आप ये भी देख सकते हैं डिस्प्ले अपना 10 मिनट बाद बंद हो जाता है, कंप्यूटर स्लीप पे 30 मिनट बाद चले जाता है। दोस्तों, इसलिए मेरे को वैसे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं वैसे कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए बैलेंस का कोई मतलब तो बनता नहीं है इसमें। क्योंकि अभी देखो, यहाँ पे बैलेंस है, इधर पावर से है, मैं कंप्यूटर चला भी रहा हूँ तो सर फ़ायदा क्या होगा मेरे को, मैंने कौन सा इस पर बैटरी पर चलाना, जो मैं कहीं पोर्टेबल थोड़ना ही है, तो मेरे को डायरेक्ट AC करंट ही मिल रहा है। तो इसलिए मैं इसे अभी हाई परफॉर्मेंस पर ही रहने दूँगा। तो उसके बाद अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आप इसे बैलेंस या फिर पावर सेव में रख सकते हैं, पर अगर आपको गेमिंग के हिसाब से देखा जाए तो आपको हाई परफॉर्मेंस पर रखेंगे, पर आपकी हाई परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस तो अच्छी आएगी, पर आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो हाई परफॉर्मेंस पे पीसी में तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हाई परफॉर्मेंस पे रखें, और अगर आपका लैपटॉप है तो बैलेंस पे रख ले या फिर हाई पे रखें। पावर सेव में तो आपका सोच सकते हो, अगर आपका पीसी स्लो चल रहा है तो और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो थर्ड मेरी ट्रिक ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड चेक करने के लिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रही होंगी। अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन ही आ ही नहीं रही होंगी। तो अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है, तो मैं आपको, मेरे पास वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 1 GB का ग्राफिक कार्ड ही है। तो उसमें मैं आपको ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ खुल गया है यहाँ पे। तो डिस्प्ले में हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक में जाएंगे, एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है हमें इसमें। डिस्प्ले में हमें जो है उसको बस, अगर आप ये देख लेना, अगर आपकी रेवोल्यूशन यहाँ पे एंड में होनी चाहिए एकदम, जो आपका एंड में है। और यहाँ पर अगर आपके पास 32 बिट है, 16 बिट और 64 बिट होती है, तो मेरे पास यहाँ पे 32 बिट ही है, तो मैं 32 बिट पे रहने दूंगा। अगर 64 बिट है तो 64 बिट पे कर दो। रिफ्रेश रेट हमारा यहाँ पे 60 यार, तो 60 रहने देते हैं। इसे हम रोटेट करना है, तो रोटेट तो करता नहीं भाई, अपने पीसी को इसे नॉर्मल रहने देते हैं, इसको भी हमें नॉर्मल ही रहने देंगे। तो इसमें तो हमें कुछ करना नहीं, डिस्प्ले में 3D इफेक्ट का मेन यहाँ पे होता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं, तो अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है ना गेम्स की, FPS लो हो जाते हैं या फिर कोई पंगा पुंगा पड़ जाता है गेम्स के अंदर, नहीं ठीक से चल पाती है। तो अगर आपको, वैसे ये भी है कि अगर आपको गेम नहीं ठीक से चल रहा है, उसे क्वालिटी पर पूरी हाई करके देखें कि आप पता चल जाए वो गेम जो आपकी नहीं चल पा रही है। पर आपको गेम्स नहीं खेलनी है, वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, नॉर्मल पीसी चलाना है आपको, स्लो चल रहा है, तो उसको हम परफॉर्मेंस पे कर देंगे। बिल्कुल, परफॉर्मेंस पे क्या होगा कि आपका क्वालिटी
यहाँ पे लगा लो क्वालिटी ठीक नहीं आएगी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी आपकी क्वालिटी, पर आपका परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। अगर आप गेम्स खेलते हैं तो आप इसे क्वालिटी पे रहने देंगे तो उसकी आपकी क्या होएगा, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। गेम्स के लिए ये होता है। और पर अगर आप गेम्स तो खेल नहीं रहे हो तो उसे परफॉर्मेंस पे रहने देना, तो क्वालिटी का और परफॉर्मेंस का ये चक्कर था। उसके बाद मीडिया में जाके यही रहने देना है, हेल्प एंड सपोर्ट में जाके हमें यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट में ही जाना है फिर से। तो यहाँ पे आपके ड्राइवर्स आ जाएंगे, सबसे पहली बात इन सारे ड्राइवर्स को अपडेट रखना। अपडेट रखने से क्या होगा, आपके जो ग्राफिक कार्ड्स हैं वो अपडेट रहेंगे तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। तो मैं उसे अप्लाई कर दूँगा, तो न्यू सेटिंग कह रहे हैं तो मैं ओके कर देना। तो उसके बाद मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। और हमारी जो चौथी ट्रिक है वो है ये, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपके चलते हुए सारे के सारे प्रोग्राम्स। तो आपकी ये बहुत ज़्यादा रैम लेते हैं, तो अभी मैं पेंडिंग के एम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता, वो मेरे को चाहिए ही अभी। तो चलो पेंडिंग एम का तो अभी मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसे बंद नहीं करूँगा। पर यहाँ पे फालतू के बहुत सारे ऐप्स भी खुल जाते हैं, तो मैं उसे ऐसे करके एग्जिट का ऑप्शन आएगा सबके अंदर। वैसे क्विक हील को आपको अंदर जाके क्विक हील के बंद करना पड़ता है अगर आपके पास एंटीवायरस कोई भी है। वैसे कई एंटीवायरस होते हैं कि यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है क्विट करने का उन्हें, पर यहाँ पे आपको जितना अगर आपके बहुत सारे खुले हुए हैं जो आपको नहीं चाहिए तो आप वो यहाँ पे सिस्टम में जाके से क्विट करें एग्जिट करेंगे, तो वो आपका काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा रैम के अंदर और आपका पीसी कुछ ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 5 या फिर आपको 4 मैंने ऐसे बताए हैं तरकीबें जैसे आपका पीसी बहुत ज़्यादा कुछ फास्ट हो जाएगा। मेरे पीसी पे इफेक्ट पड़ा है इसका 60% तक। अब देखो आपके पीसी पे कितना इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ये, और शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दें अगर आपके पीसी में आपको ये फ़र्क दिखा तो। प्लीज़ दोस्तों ये ना हो कि अगर आपके पीसी में आपको फ़र्क लगा आपको खुश भी हो जाए और आप मेरे को लाइक ना मिला हो, तो दोस्तों ऐसे मत करेगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो उसे लाइक ज़रूर कर दिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।